हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग कहीं टूर पे निकले हैं सिडनी से बाहर, क्योंकि आज जो है वो हमारी आज 23 जनवरी है और हमारी फैमिली के लिए ये एक स्पेशल दिन है, क्योंकि आज है किसी का बर्थडे। से हाय वाणी। और ये दिन आज 2022 का और भी स्पेशल है, क्योंकि आज किसी का फर्स्ट बर्थडे है ना वाणी। और ये है बर्थडे गर्ल का भैया रुद्रांश। से हाय रुद्रांश। क्या खा रहे हो? तो गाइस, बेसिकली हम लोग जो है वो सिडनी टू वोलोगोंग की ट्रिप कर रहे हैं। बेसिकली वोलोगोंग जाने के लिए एक रात स्टे करे तो बेटर होता है, क्योंकि सब सारी चीज़ें आप अच्छे से घूम सकते हैं। लेकिन हमारे साथ बच्चे हैं और अभी यहाँ पे कोविड भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने स्टे करने का नहीं प्लान किया है। हम लोग सेम डे वापस आ जाएंगे, तो हमें कुछ चीज़ें जो हैं हम स्किप कर रहे हैं। बट बेसिकली हम लोग मंदिर जाएंगे, वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा हिंदू टेम्पल है, और जू भी जाएंगे, और रास्ते में कुछ कुछ चीज़ें हैं वो भी देखेंगे। तो अगर आप भी कभी सिडनी टू वोलोगोंग की ट्रिप प्लान करेंगे तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर आप कभी नहीं जाने वाले हैं या फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में एनीवे, तो आप हमारे साथ चलिए और वाणी का फर्स्ट बर्थडे जो है वो एंजॉय कीजिए। और क्या गाइस, हमारा फर्स्ट स्टॉप जो है वो, जैसा कि मैंने बोला, मंदिर है। श्री वेंकटेश्वरा टेम्पल नाम है इसका, और ये हेलेन्सबर्ग में है। ये काफ़ी बड़ा मंदिर है और यहाँ जाके हमें बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही शांति मिली। बहुत बड़ा टेम्पल है ये और बहुत खूबसूरत है। अंदर से फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हमने थोड़े वीडियोज़ और फ़ोटोज़ जो हैं वो बाहर ही लिए। अंदर में मुर्गन भगवान का बहुत ही अच्छा मोर पे और मूर्ति थी, और बाकी गणेश भगवान के कई सारे रूप थे और दुर्गा माँ की भी मूर्तियाँ थी। बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ जाके। नेक्स्ट स्टॉप हमारा सिम्बायो वाइल्ड लाइफ पार्क था, जो कि मंदिर से थोड़ी दूर पे है, ड्राइविंग डिस्टेंस पे। ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट में हम लोग पहुंच गए थे। यहाँ पे मैं सच बता रही हूँ, यहाँ पे मैंने इतने छोटे छोटे मंकीज अपनी लाइफ में पहली बार देखे। मैंने कभी, अगर मैंने नहीं देखा होता तो मैंने इमेजिन भी नहीं किया होता कि इतने छोटे मंकीज भी होते हैं। ये 10 सेंटीमीटर के मंकीज हैं, और भी दिखेंगे। और ये एक रूम में, कमरे में, एक साथ 2 या 3 रहते हैं, और बहुत ही छोटे हैं ये। वीडियो लेते वक्त मैंने इधर देख लो, थोड़ा सा इधर देख लो, तो उसने थोड़ा देखा, बट थोड़ा देख लिया उसने। फिर यहाँ पे रेप्टाइल्स का सेक्शन था हमें वहाँ पे वो एंट्री के बाद, तो यहाँ पे मास्क जो है वो मैंडेटरी था। बट रेप्टाइल्स में स्नेक्स वगैरह होते हैं, तो मैंने उनकी वीडियो ज़्यादा डाली नहीं है, क्योंकि स्नेक्स उतना प्लेजेंट नहीं होता देखने को। बच्चों के खेलने के लिए पार्क वगैरह भी था जू में, बट हमने अवॉइड किया क्योंकि यहाँ पे कोरोना बहुत ज़्यादा है। गाइस, अभी हम लोग कोला के सेक्शन में हैं। कोआला जो है वो ऑलमोस्ट दिन में 18 घंटे सोते हैं, तो ये कैमरे की उल्टी दिशा में हमें भी नहीं दिख रहे थे, वो सो रहे थे। बट बाद में फिर देखिए ये खा रहा है, तो हमने एक शॉट इसका लिया था। जब हम, ये लास्ट का शॉट है, जब हम लोग वापस जू से जा रहे थे तब हमें ये खाता हुआ मिला। और आपको पता है कोआलाज की प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन होता है वो 35 डेज का होता है, लेकिन उसके बाद वो ऑलमोस्ट 6 to 7 months तक अपने जोईज को अपने पाउचेस में रखती हैं। और ये हमारा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था इतने नज़दीक से चीता देखने का, हमें बहुत ही अच्छा लगा। और बिलीव इट और नॉट, यहाँ पे जू में हमें चिकन भी देखने को मिले, और आगे आपको गोट भी देखने को मिलेंगे, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये देखिए गोट, यहाँ पे एनिमल फीडिंग जो है वो भी कर सकते हैं। हमने पे किया था इसके लिए पहले से, तो उन्होंने एंट्री के वक्त वहाँ पे खाना दिया था इनका, जानवरों का, तो हमें यहाँ पे फीड करने को मिला। बच्चों के लिए ये अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि बच्चे तो वैसे इतने नज़दीक से जानवरों को टच या फील नहीं कर पाते हैं। रुद्रांश ने बहुत मस्ती की, उसे बहुत मज़ा आया।
अभी 3 बज गए हैं और ऑलमोस्ट हमने आधा जू जो है वो घूम लिया है और हमें भूख लग गई है। और ये स्पेस थोड़ा वो है, यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है और बड़ी है, तो हमने सोचा कि हम अपना लंच कर लें। इसके बाद हम लोग कैंगरू फीडिंग के लिए गए। यहाँ पे कैंगरूज खुले में थे और हम लोग उनको टच एंड फील कर पा रहे थे और हम लोग इनको फीड भी कर सकते थे, तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। रुद्रांश को बहुत ही मज़ा आया, उसका बस चलता तो वो एक या दो को घर भी लेके आता। ये बहुत ही मेलो थे, बहुत जेंटल, हमें बहुत मज़ा आया। ये देखिए यहाँ पे एक और छोटा सा मंकी है। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे मंकीज थे और जब हम वीडियो ले रहे हैं तो वो छुप रहा है हमसे कि तुम ले नहीं सकते हमारा वीडियो। वीडियो में पता चल रहा है या नहीं, बट ये 10 सेंटीमीटर या उससे भी छोटे मंकीज थे। और ये देखिए एक और छोटा सा मंकी है यहाँ पे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो था वो सी क्लिफ ब्रिज था। ये बहुत ही अच्छा सीनिक स्पॉट है यहाँ पे, तो हमने सोचा वहाँ जाएंगे, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करेंगे, तो मैंने उसके शॉट्स भी डाले हैं यहाँ पे। और ये रास्ता बहुत ही अच्छा था, बहुत ग्रीनरी थी और यहाँ पे देखिए सी का व्यू जो है वो बहुत ही अच्छा है। ये एक ब्रिज है जहाँ पे लेफ्ट साइड में समुंदर है और राइट साइड में माउंटेन्स हैं, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है ड्राइव करना या फिर इवन सिंपली बैठ के भी देखना बहुत ही अच्छा लगता है। ये बहुत ही अच्छा सीरीन एक्सपीरियंस होता है। और यहाँ पे थोड़ा आगे गाड़ी पार्क करी थी हमने फ़ोटो लेने के लिए। ऐसा कुछ दिखता है, लेफ्ट साइड में पहाड़ और राइट साइड में समुंदर और बीच में ये ब्रिज। यहाँ पे थोड़ा आगे जाके एक और सीनिक स्पॉट है, वहाँ पे हमने इसका नाम शायद माइक डायर रिजर्व है, वहाँ पे भी हमने जाके और फोटोज़ क्लिक की थी। बहुत सुंदर व्यू है, एकदम हर जगह से अंतहीन समुद्र दिखता है, बहुत ही अच्छा लगता है। गाइज ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन पॉइंट था आज के लिए, अब हम लोग वापस घर जा रहे हैं। ऑलमोस्ट हमने 6-7 घंटे जो है 6-7 घंटे हमने बिताए जू में, अच्छा खासा देर हमने बिताया और बहुत मज़ा आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।